पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, समय का सदुपयोग हो। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ओके मैम, प्लीज गिव इट डन। यस मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। टुडे डेट इज 9th April 2023। ओके, बच्चों, आज हम पुस्तकों के बारे में जानेंगे। पुस्तकें हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं? पुस्तकें हमें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, हमें हमारे जीवन का विकास करती हैं, और इसके अनुसार हमें पता चलता है कि पुस्तकों के बिना हमारा जीवन है, पुस्तक हमारे जीवन को आगे ले जाती हैं। आज हम जानेंगे कि पुस्तकें कहाँ से आती हैं। पुस्तकें लाइब्रेरी से आती हैं। हम पुस्तकों के कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है, वो कहाँ से आती है, क्या है मोबाइल लाइब्रेरी? एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमारे दिमाग में यह रहता है कि मोबाइल लाइब्रेरी फोन में होती है, लेकिन फोन में ये नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। मोबाइल लाइब्रेरी फोन में नहीं होती, इसे हमें डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोबाइल लाइब्रेरी। क्या है? मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी किसे कहते हैं? मोबाइल लाइब्रेरी का क्या अर्थ होता है? मोबाइल लाइब्रेरी का अर्थ होता है चल पुस्तकालय या फिर चल ग्रंथालय। इसे डॉक्टर एस आर रंगानाथन जी ने इसे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा दी है। सबसे पहले मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। यस, 1950 में हुई थी। और इसे घोड़ा किसके द्वारा खींचा गया था? इसे घोड़ा गाड़ी के द्वारा खींचा गया था। और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत में इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1931 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? डॉक्टर, जिसे लाइब्रेरी का जनक कहा जाता है, उसे डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा हुई थी। ये एक नक्शा भाई पिल्लई के दिमाग की उपज थी। वो लोक सेवा केंद्र में इंजीनियर थे। उन्होंने ही गांव-गांव तक पुस्तकों को ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की संरचना तैयार की थी। इसके उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स? इसके उद्देश्य यह है कि जहां पर शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम है, वहां पर इसे मोबाइल लाइब्रेरी को पहुंचाया जाता है। जहां पर शिक्षा के सुविधाएं बहुत कम है, वहां पर मोबाइल लाइब्रेरी को पहुंचाया जाता है। जो लोग लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाते, उन तक मोबाइल लाइब्रेरी को पहुंचाया जाता है। जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें मुफ्त में मोबाइल लाइब्रेरी से पुस्तकें दी जाती हैं। मोबाइल लाइब्रेरी से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं स्टूडेंट्स? मोबाइल लाइब्रेरी से हमें हमारा समय का सदुपयोग होता है। वहाँ पर मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड होती है। पाठक की रीडिंग हैबिट डेवलप होती है।